जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भीष्म पंचक की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से आरंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है, इसलिए इसे भीष्म पंचक कहते हैं। इस दिन स्नानादि से शुद्ध होकर पापों के नाश और धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के प्राप्ति के लिए व्रत का संकल्प करें। घर के आंगन या नहीं के तट पर चार दरवाजों वाला मंडप बनाकर उसे गोबर से लीप देना चाहिए। बाद में सर्वतोव्रत की वेदी बनाकर उस पर तिल भरकर कलश स्थापित करें। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। 5 दिनों तक लगातार घी का दीपक जलाना चाहिए और मौन होकर उक्त मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा ओम विष्णुवे नमः स्वाहा मंत्र से घी, तेल और जौ की 108 आहुतियां देकर हवन करना चाहिए। 5ों दिन काम क्रोधादि का त्याग करके ब्रह्मचर्य, क्षमा, दया और उदारता धारण करनी चाहिए। पूजन में सामान्य पूजा के अतिरिक्त पहले दिन भगवान के हृदय का कमल के पुष्पों से, दूसरे दिन कटी प्रदेश का विलप पत्रों से, तीसरे दिन घुटनों का केतकी के पुष्पों से, चौथे दिन चरणों का चमेली के पुष्पों से और 5वें दिन संपूर्ण विग्रह का तुलसी के मंजीरों से पूजन करना चाहिए। हमारे देश में अधिकतर स्त्रियां एकादशी व द्वादशी को निराहार, त्रयोदशी को शाकाहार और चतुर्दशी व पूर्णमासी को फिर निराहार रहकर प्रतिपदा को प्रातःकाल, द्विज दंपति को भोजन कराकर स्वयं भोजन कर पंच भीष्म नहाती हैं। व्रत कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में शरशैया पर शयन कर रहे थे। तभी भगवान कृष्ण को साथ लेकर 5ों पांडव उनके पास आए। उपयुक्त अवसर समझकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हम लोगों को कुछ उपदेश दें। तब युधिष्ठिर की इच्छा अनुसार भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा, पितामह, आपके कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म या उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसके स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे संसार में अनेक कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। उन्हें पुत्र पौत्र और धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। वे जीवन पर विविध सुख भोग कर अंतह मन से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तब से आज तक श्रद्धालु इस व्रत को करके धर्म लाभ उठा रहे हैं। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।